क्राउड प्रमोट सभी को एक साथ आमंत्रित करते हैं कि उनका स्वागत करें। मेरे छोटे भाई अमरपाल मौर, जिन्हें आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व ने एक राष्ट्रवादी, एक गरीबवादी, जरूरतमंदों की जरूरत के लिए हर समय खड़ा रहने वाला प्रत्याशी बनकर के आया है। मैं आप सब से यहाँ पर अपील करने के लिए आया हूँ कि इतने भारी अंतर से कमल खिलाइए कि माता लक्ष्मी जी अगर मैं इतने लोक में भी बैठी हो तो कमल के फूल पर बैठ करके उनका हार आ जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रवादी, संगठनवादी और विकास के प्रति सदा समर्पित रहने वाले, समाज सेवा को ही जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में, श्री अमरपाल मौर्य जी के समर्थन में मैं ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र की आज इस विशाल जनसभा को संबोधित किया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऊंचाहार सहित रायबरेली की सभी 6 सीटों पर कमल खिलेगा। इस बार भाजपा का सिक्सर, उसमें गठबंधन की भी एक हमारी सीट है, भाजपा का गठबंधन का सिक्सर लगेगा। और जैसे अमेठी को कांग्रेस अपना गढ़ समझती थी, जैसे बदायूं को सपा अपना गढ़ समझती थी, मैनपुरी को अपना गढ़ समझती थी, इटावा को अपना गढ़ समझती थी, फिरोजाबाद को अपना गढ़ समझती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अभेद दुर्ग के रूप में, किले के रूप में है। वैसे यार अमेठी के साथ रायबरेली भी भाजपा का दुर्ग बनेगा और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। और यहाँ के विकास के लिए सरकार के भारत सरकार का खजाना भी और उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भी खुला रहेगा। मैं विशेष तौर से स्वयं जिम्मेदारी लेकर के ऊंचाहार विधानसभा और रायबरेली जिले में विकास की हर योजना पहुंचवाने का काम। अखिलेश यादव ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने से बीजेपी सरकार की बिजली गुल हो गई, ट्रांसफार्मर जल गए हैं। ये श्री, आप तो उत्तर प्रदेश के हो ना, तो आपको तो याद होगा ना, जब बिजली वो देते थे तो बिजली आती नहीं थी, और जब बिजली आती नहीं थी, अब भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। अंतर यही है, उनकी सरकार में बिजली आती नहीं, हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं। उनकी सरकार में बिना पैसा दिए ट्रांसफार्मर लगता नहीं था, हमारी सरकार में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में 48 घंटे में लग जाता है। 18 घंटे से 24 घंटे गांव से लेकर शहर तक बिजली दी जाती है। लेकिन भाजपा और सपा की कोई तुलना नहीं है। सपा की साइकिल पहले चरण में ही उड़ करके सैफई गई है और तीसरे चरण का जो मतदान हो रहा है इसके बाद बंगाल की खाड़ी जाएगी। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है शिवपाल यादव खड़े हुए हैं और मुलायम सिंह बैठे हैं और अखिलेश यादव बैठे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने पिता का अपमान किए थे, उनसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी छीनी थी। फिर अपने चाचा का तो कितना अपमान किए, उसको मैं शब्दों में प्रयोग व्यक्त भी नहीं कर सकता। फिर बाबूजी कल्याण सिंह जी, जब उनका निधन हो गया उनका अपमान किए, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उनको श्रद्धांजलि देने तक के लिए नहीं गए, जबकि समाजवादी पार्टी के ऊपर राम भक्तों का खून बहाने और बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के ऊपर राम भक्तों के लिए कुर्सी रामलला के चरणों में न्यौछावर करने का यह इतिहास बन गया है, स्वर्णिम इतिहास है। और एक काला इतिहास सपा के खाते में है और एकदम स्वर्णिम इतिहास बाबूजी कल्याण सिंह जी के खाते में है। इसलिए अखिलेश यादव जी तो किसी का भी अपमान करते हैं, पुलिस के जवानों का अपमान किए जो उनकी सुरक्षा में लगे थे और उनको धमकी देने का काम किए। हमने कहा है भाजपा के प्रत्याशी